वेलकम टू द चैनल आरवी फंटासी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए का जो मैच होने वाला है लॉस एंजल क्लिपर्स वर्सेस फिलाडेल्फिया के बीच में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ रही थी रिसेंटली मैचेस की, बाकी जो लास्ट के दोनों मैचेस दिए थे 11 out of 11 कंटेस्ट है यहाँ पर, जो फर्स्ट मैच दिया था उसमें, जो सेकंड मैच दिया था यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 12 out of 12 यहाँ पर कंटेस्ट यहाँ पर विन कर ली। बाकी मैं ये नहीं कहता कि मैं हर मैच में आपको विनिंग करवा दूंगा, बस मैं मेरी तरफ से यहाँ पर 100% कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फाइनल टाइम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @rvfantasy7, आपको हमारा 1.8K वाला टेलीग्राम चैनल वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी दोनों टीम का अगर कंपेरिजन करें तो दोनों टीम आपने लास्ट 4 out of 4 मैचेस यहाँ पर विन होकर आ रही है, और दोनों टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है। दोनों टीम का यहाँ पर अटैक और डिफेंस दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, खास करके फिलाडेल्फिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है कंपेरिजन टू लॉस एंजल क्लिपर्स। लॉस एंजल क्लिपर्स की तरफ से आर जैक्सन आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे, केलियोनर जो कि लास्ट मैच खेले नहीं थे, आज का मैच हो सकता है खेल सकते हैं। जीटीडे गेम टाइम डिसीजन अभी कन्फर्म नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कन्फर्म हो जाएगा लास्ट के यहाँ पर 50 to 20 मिनट में, तब यहाँ पर फाइनल टीम में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर यहाँ पर केलियोनर अगर यहाँ पर नहीं खेलते तो ऐसे टीम आना आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। बाकी आर जैक्सन इनको यहाँ पर लास्ट मैच में 39 मिनट मिले थे, अगर यहाँ पर केलियोनर खेलते तो इनके यहाँ पर एवरेज 20 मिनट यहाँ से मिल सकती है। बाकी यहाँ से केलियोनर लगता है आज का मैच खेलेंगे, पी जॉर्ज यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेलेंगे, यम मॉरिस इन पर भी जीटीडी गेम टाइम डिसीजन है, खेलते या नहीं खेलते अभी कंफर्म नहीं, और सेंटर से यस्सी बैगस आउट हो चुके, तो आई जुबैक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके आई जुबैक रहने वाले प्रोबेबल 5 स्टार्टर यहाँ पर लॉस एंजल क्लिपर्स की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर फिलाडेल्फिया तो फिलाडेल्फिया की तरफ से आपको बी सिम्पसन पॉइंट गार्ड से स्टार्ट करते हुए देखेंगे, डी ग्रीन यहाँ से शूटिंग गार्ड से फॉरवर्ड से खेलेंगे डी ग्रीन, और शूटिंग गार्ड से यहाँ पर सेथ करी स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच खेले थे सेकंड मैच में इंजरी की वजह से बाहर थे, और लास्ट मैच आते ही एवरेज मैच गया था अच्छा खासा कह सकते। बाकी यहाँ से यस मिल्टन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, यहाँ से आपको टी हैरिस बेस्ट एस पी चॉइस आज के मैच के लिए दिख जाएंगे, प्लस यहाँ पर डी हाइवर जो लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा फाउल कर दिए थे, दो टेक्निकल फाउल की वजह से इनको टाइम बहुत कम मिला था। बाकी डी हाइवर यहाँ से खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, और सेंटर से यम स्कॉट आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं। बाकी प्रोबेबल 5 स्टार्टर फिलाडेल्फिया की तरफ से आपको ये देखने को मिल सकती है। बाकी लास्ट मैच का क्या कुछ रहा था परफॉर्मेंस इस टीम का, बी सिम्पसन खेलेंगे पॉइंट गार्ड से, 21 क्रेडिट के प्लेयर है, लास्ट मैच इनके लिए एवरेज गया था, बाकी पॉइंट्स से तो फॉलो हो गए थे। बाकी यहाँ पर असिस्ट और रिबाउंड अच्छे खासे दिए थे, 9.7 रिबाउंड 12 असिस्ट 1 ब्लॉक 6 आसर 2 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 22.8 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील, तो एवरेज प्लेयर है 21 क्रेडिट के प्लेयर है, और बेस्ट प्लेयर है पॉइंट गार्ड से अच्छा खासा टाइम खेलेंगे, और एक बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से टी मैक्सिका एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, बाकी इनएक्टिव है ड्रॉप कर लेना। बाकी डिग्री ने ऐसे स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से, सेथ करी स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड से। लास्ट मैच जो रहा था डिग्री का बेस्ट गया था, 28.5 रिबाउंड 2 ब्लॉक और 6 असिस्ट 1 स्टील। सेथ करी एवरेज गया था 19.1 रिबाउंड और 2 असिस्ट के साथ। जो सेकंड मैच रहा था डिग्री का यहाँ पर एवरेज गए थे 11.2 रिबाउंड और 1 असिस्ट के साथ। बाकी दोनों एज अ स्टार्टर खेलेंगे, और दोनों यहाँ पर बेस्ट पिक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी यस मिल्टन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, यफ कोरकुमाजा एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। यस मिल्टन बेंच से सबसे बेस्ट टाइम मिलता है, लास्ट मैच 12.2 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक। जो सेकंड मैच रहा था यस मिल्टन का 13.2 रिबाउंड 4 असिस्ट बेस्ट मैच गया था, और 9.5 क्रेडिट के प्लेयर बेंच से सबसे बेस्ट टाइम मिलेगा। फॉरवर्ड टीआरएस स्टार्ट करेंगे, बेस्ट एस पी चॉइस यम थाइबुल्ला एज ए बेंच प्लेयर यहाँ से मिल जाएंगे, और यम स्कॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच जो रहा था यम स्कॉट एज ए स्टार्टर करते हुए 28 मिनट खेलकर 6.5 रिबाउंड 2 असिस्ट 2 ब्लॉक 2 स्टील। सेंटर से खेलेंगे, ब्लॉक और स्टील दे दिए, तो यहाँ पर बेस्ट रिमेलोन पॉइंट यहाँ से दे देंगे। बाकी टीआरएस बेस्ट एस पी चॉइस आज के मैच के लिए, लास्ट मैच 17.6 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 ब्लॉक और 2 असिस्ट, इनकी स्ट्रेंथ है पॉइंट और रिबाउंड, पॉइंट भी देंगे और रिबाउंड भी अच्छे खासे देंगे। सेकंड मैच का परफॉर्मेंस 25 पॉइंट और रिबाउंड देख सकते हैं, 13 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनकी तरफ से आया था। बाकी यफ कोरकुमाजा बैंच से खेलेंगे, लास्ट सेकंड जो मैच था एज ए स्टार्टर खेले थे, 12.1 रिबाउंड और 1 असिस्ट यहाँ पर दे रहा था। बाकी जो लास्ट मैच खेले थे एज ए बेंच प्लेयर 6.1 रिबाउंड और 1 स्टील यहाँ से दिया था। सेथ करी यहाँ से कम बैक कर चुके थे, यहाँ पर आपको यफ कोरकुमाजा एज ए बेंच प्लेयर यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे। टी हैरिस मस्त है बेस्ट यहाँ पर एस पी चॉइस, यम स्कॉट खेलेंगे सेंटर से, डी हाइवर लास्ट मैच में 2 टेक्निकल फाउल करने की वजह से यहाँ पर जल्दी यहाँ पर आउट हो चुके, लास्ट मैच खेले थे बस 6 मिनट, उसी के साथ साथ 6.2 रिबाउंड और 2 ब्लॉक इन्होंने किए थे। जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर ये आउट हो चुके थे 2 टेक्निकल फाउल करने की वजह से, और लास्ट मैच में भी यहाँ पर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आता। बाकी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, सेकंड मैच में फाउल बहुत ज़्यादा किए थे, आउट हो चुके थे, और उसी के साथ साथ जो थर्ड मैच का परफॉर्मेंस है डी हाइवर का, टाइम बेस्ट मिला था 4.13 रिबाउंड 2 असिस्ट और 2 ब्लॉक के साथ। बाकी जीएल में ट्राई करना, क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, 12.5 क्रेडिट के प्लेयर है, जीएल के लिए
लिस्ट पे क्या से मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर लॉस एंजल क्लिपर्स, तो लॉस एंजल क्लिपर्स की तरफ से आर जैक्सन को लास्ट टाइम में बेस्ट टाइम मिला था, क्योंकि यहाँ पर के लियोनार्ड यहाँ से खेल नहीं रहे थे, और अगर के लियोनार्ड खेलते तो आर जैक्सन को एवरेज यहाँ पर 20 मिनट मिलेंगे, फिर आर जैक्सन इतने इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे। अगर यहाँ पर के लियोनार्ड अगर नहीं खेलते तो फिर आर जैक्सन को इंपॉर्टेंस होगा। लास्ट मैच आर जैक्सन को सबसे बेस्ट टाइम मिला था, 39 मिनट खेले थे बाकी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर गार्ड के प्लेयर की यहाँ पर इनके पास कमी थी के लियोनार्ड की वजह से। अगर के लियोनार्ड खेले तो यहाँ पर आर जैक्सन को बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलने वाला है। बाकी लास्ट मैच बेस्ट टाइम मिला था, बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 28.4 रिबाउंड और 4 असिस्ट के साथ। जो सेकंड मैच का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे 18 मिनट 9.3 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 स्टील, क्योंकि यहाँ पर के लियोनार्ड खेल रहे थे इसलिए यहाँ पर इनको कम टाइम मिला था। बाकी टीम आना, अगर यहाँ पर के लियोनार्ड खेलते तो एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, अगर के लियोनार्ड नहीं खेलते तो एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, अगर के लियोनार्ड खेलते तो यहाँ पर एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, अगर के लियोनार्ड नहीं खेलते तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच टीम आना का एज अ स्टार्टर करते हुए, क्योंकि के लियोनार्ड नहीं खेल रहे थे, 32 मिनट खेलकर 10.12 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील इन्होंने दिया था। बाकी यहाँ से अगर बात करूँ तो क्रेडिट से हो रहे बेस्ट प्लेयर है बेंच से, और स्टार्टर करते हुए बेस्ट टाइम मिला है और बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था। बाकी के लियोनार्ड लास्ट मैच खेल नहीं रहे थे, अगर खेले तो बेस्ट पीपी चॉइस और एसपी चॉइस आज के मैच में मिल जाएंगी। जो सेकंड मैच रहा था 25.7 रिबाउंड 3 असिस्ट और 5 स्टील, तो इनकी स्ट्रेंथ स्टील बहुत ज़्यादा करते, उसके साथ साथ पॉइंट और रिबाउंड भी अच्छे खासे देते। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनका आता है। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी एक स्टील, 2 ब्लॉक, 5 असिस्ट, 7 रिबाउंड, उसके साथ साथ 25 पॉइंट इनके आए थे। हो सकता था आप इनको एसपी भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर के लियोनार्ड नहीं खेलते तो प्यूजॉर्ज यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज यहाँ पर संभालेंगे, अगर के लियोनार्ड खेलते तो प्यूजॉर्ज उनको असिस्ट करेंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस प्यूजॉर्ज का एवरेज रहा था, क्रेडिट के हिसाब से टाइम मिला था 34 मिनट और उसी के साथ साथ 24 पॉइंट 13 रिबाउंड 4 असिस्ट। जो सेकंड मैच रहा था विद के लियोनार्ड, प्यूजॉर्ज का परफॉर्मेंस एकदम यहाँ पर डाउन हो जाता है, 17.6 रिबाउंड 4 असिस्ट और उसी के साथ साथ 1 स्टील। अगर यहाँ पर के लियोनार्ड खेलते तो प्यूजॉर्ज को यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो। यल केनार एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, बेंच से बेस्ट टाइम मिलेगा। यन बॉटम, अगर यम मॉरिस पर टीडी गेम टाइम डिसीजन है, अगर खेलते हो तो यम मॉरिस स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ पर यम मॉरिस नहीं स्टार्ट करते तो फिर यन बटुमा को एज अच्छा खासा टाइम मिलेगा यम मॉरिस अगर आउट हो जाते। बाकी लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट मैच यम मॉरिस नहीं खेले थे, जो सेकंड मैच खेले थे 26 मिनट खेलकर 20 पॉइंट और 4 रिबाउंड, उसी के साथ साथ यन बटुमा का लास्ट मैच को अच्छा खासा टाइम मिला था, 6.8 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यन बटुमा का, यहाँ पर भी बेस्ट टाइम मिला था 26 मिनट खेलकर 13.4 रिबाउंड 4 असिस्ट उसी के साथ साथ 2 स्टील इनके तरफ से आए थे। सेंटर से आइजोपैक ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके होने वाले, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बगस खेल नहीं रहे। बाकी ऐसे आइजोपैक को स्टार्ट करते हुए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अगर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की तो बी सिमसन यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे, यहाँ से आर जैक्सन, उसी के साथ साथ टीम आना यहाँ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे। कंसीडर करके टीम बना रहो, के लियोनार्ड नहीं खेल रही ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर 50-50% चांसेस है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी तो जीटीडी डिग्री ने यहाँ से बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। फॉरवर्ड से पी जॉर्ज मस्ट है, उसी के साथ साथ यस मिल्टन अच्छे खासे पिक मिल जाएंगे, एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। टी आर एस मस्ट है, बेस्ट एस पी चॉइस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यम मॉरिस अगर खेलते हो तो यम मॉरिस को भी यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। सेंटर से आइजोबैक बेस्ट पिक मिल जाएंगे। अभी बचते हैं हमारे पास 10 क्रेडिट में आप यम मॉरिस अगर खेलते हैं तो ये भी स्टार्ट करेंगे। बाकी यन बोटो में एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, यस मिल्टन ये भी बेंच से खेलेंगे और सेथ करी स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच सेथ करी के लिए बढ़िया गया इसलिए मैं यहाँ पर सेथ करी के साथ जा रहा हूँ। बाकी आपके पास चॉइस है, यस मिल्टन के साथ भी जा सकते हो, उसी के साथ साथ यम मॉरिस और यन बोटो में, इन दोनों में से किसी एक के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो। ये टीम में एज अ कंसिडर करके यहाँ पर के लियोनार्ड नहीं खेलते, अगर के लियोनार्ड खेलते हैं तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको सेकंड कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। बाकी ये टीम तब तक के लिए सेव करके रखना है, एसपी बना देना टी आर एस को और पीपी ट्राई करना यहाँ पर बी सिमसन को या फिर पी जॉर्ज को। तो मेरे लिए तो बी सिमसन, अगर यहाँ पर के लियोनार्ड नहीं खेलते तो पी जॉर्ज यहाँ पर सेफ है, अगर यहाँ पर के लियोनार्ड खेलते तो फिर यहाँ पर बी सिमसन यहाँ से सेफ है। बाकी पी जॉर्ज को अभी के लिए यहाँ पर पीपी और टी आर एस को यहाँ पर आप एस पी बना दीजिए। अगर यहाँ पर के लियोनार्ड खेलते तो उनके साथ कॉम्बिनेशन, ये सेकंड कॉम्बिनेशन विद के लियोनार्ड, के लियोनार्ड को यहाँ पर पीपी बना दीजिए, उसी के साथ साथ एसपी टी हैरिस को बना दीजिए। बाकी यहाँ से ड्रॉप किया है पी जॉर्ज को, क्योंकि अगर के लियोनार्ड खेले तो पी जॉर्ज को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज कम संभालेंगे, के लियोनार्ड यहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक ज्वाइन कर लेना, और उसी के साथ साथ लिंक वर्क नहीं करते तो आपको पता है सर्च करना है @RPFantasy7। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।